तो ये देखिए क्रिस्पी भी कितने बने हैं, एक बार चेक करते हैं इसका सॉफ्टनेस। एक 65 बनाने के लिए हमने 5 अंडे बॉईल कर लिए हैं। अंडे को इस तरह से हमें कट करना है, बीच वाला पोर्शन ये हम निकाल देना है। और इसको बारीक चॉप कर लेना है। एक को हमने चॉप कर लिया है, एक बाउल में डाल देंगे। सबसे पहले इसमें आधा चम्मच जाएगा बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ये अदरक बारीक चॉप किया हुआ, एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1/3 टीस्पून ले लिया है विनेगर। ये विनेगर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। आधा चम्मच ये नमक, एक टेबलस्पून हमने ले लिया, एक टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ये मैदा, और एक टेबलस्पून ले लिया है कॉर्नफ्लोर। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब एक अंडा हमने तोड़ लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। और बॉन्डिंग के लिए मुझे और थोड़ा सा आटा लगेगा, तो मैं इसमें एक चम्मच ये मैदा और ऐड कर लूँगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आधा एक जो है हमने बचा लिया है, आधा ही अंडे का हमने इस्तेमाल किया है। अंडे को हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना के, बोल बना के हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से और एक छोटे से नींबू की साइज में इसको हमें बना के फ्राई करना है। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है, फ्लेम को अभी हम कर देंगे मीडियम, और एक बोल डाल के हम चेक कर लेंगे। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, तो अभी मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। आठ से नौ मिनट में हमारे क्रिस्पी पकौड़ा फ्राई होकर तैयार हो जाएगा, तो इसको हम निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमारे एक पकौड़े फ्राई होकर तैयार। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमने अंडा जो फ्राई किया था, अंडा पकौड़ा, उसमें ये एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेंगे। और तेल गर्म हो जाए तो इसमें ये 5-6 हम लहसुन को मैंने चॉप कर लिया ये डाल देंगे, एक टीस्पून हमने ले लिया है अदरक बारीक चॉप किया हुआ ये डाल देंगे, हल्का सा सौटे कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 30-40 सेकंड के बाद ये सूखी लाल मिर्च, काफ़ी सारा कड़ी पत्ता, दो हरी मिर्च, एक मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे हम सौटे कर लेंगे। आधा चम्मच डालेंगे रेड चिली सॉस, 2-2.5 टेबल स्पून हमने ले लिया है ये टमाटो सॉस,
लाल मिर्च एक टीस्पून, एक अच्छा कलर, और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। ये थोड़ा सा डाल देंगे हम काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पकौड़े। पकौड़े मिक्स करके 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसको कोट कर देंगे। 165 अच्छे से कोट हो जाए इसलिए हमने यहाँ 2 टेबलस्पून पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर, इसकी स्लरी बना लेंगे। और चाहे तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे ताकि कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाए और कोटिंग बढ़िया सा हो जाए। थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया। फ्रेंड्स ये तैयार है हमारे 165। फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर करना ना भूले। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमने बनाया है 165।